उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के दामों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता तहसील सदर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मांग की कि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के दामों में की गई बढ़ोतरी के चलते किसान पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। वहीं बिजली के दामों में की गई वृद्धि से आम जनमानस बेहाल है। सरकार ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है, जिसका भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह विरोध करती है और सरकार द्वारा बिजली के दामों में बढ़ाए गए दामों को वापस लेने की मांग करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के दामों को कम नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसको लेकर आज मथुरा के सदर तहसील पहुंचकर उपजिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। अपना नाम बताते हुए क्या? मेरा नाम मीना ठाकुर है, मैं आपके कुछ जिलाध्यक्ष हूँ मथुरा से। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? जी हमने दिया बिजली के संबंध में कि विद्युत विभाग ने इतनी बिजली के बिल है, इसकी कोई सीमा नहीं है, किसानों की कमर टूटी हुई पड़ी है, कहाँ से भरेंगे। जो एक 4,000 की महीने की एक सैलरी में किसान अपना बच्चा पालेगा ये बिल भरेगा। गरीब आदमी है, इसी चीज से मैं अवगत कराना चाहती हूँ। या तो जहाँ से ज्यादा जितना भी हमारी समाधान कर देंगे तो ठीक है, नहीं हम रोड पे उतर करके ज्ञापन, तो क्या अभी तो आज हमने ज्ञापन दिया है, हम रोड जाम पे उतर आएंगे, हम अपना मतलब पता नहीं कुछ आपे से बाहर हो जाएंगे। जी मेरा नाम राजकुमार तोमर है, भारतीय किसान जिलाध्यक्ष हूँ। ये हमारी महिला टीम है, जिलाध्यक्ष प्रकोष्ठ की, ये सब इनकी मंडल की है। और आज एक जो बिजली की विद्युत दरें बढ़ी हुई हैं, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन है। इसके लिए हमें एक सांकेतिक हर तहसील मुख्यालय पर हमारा धरना प्रदर्शन किया गया है। जो विद्युत की दरें बढ़ी हैं उसको वापस लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में बहुत अच्छा आंदोलन एक नगलों में भी हो सकता है और जिले में भी हो सकता है। आए दिन बिजली की कीमतें बढ़ रही, क्या मानना है? बिल्कुल इसी वजह से पहले हमने एफा प्रदर्शन 27 तारीख को किया था, उसके बाद में नियम आयोग की हमारे साथ बैठक भी हुई थी। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हमसे बताया गया था नियम आयोग की आपकी बात सुनेगा और उसके बाद ही कोई डिसाइड किया जाएगा। अकस्मात ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एकदम ऐसा फैसला लिया कि किसानों की कमर तोड़ दी गई है और इसका विरोध आज हमने हर तहसील मुख्यालय पर किया है। प्रदेश व्यापी आंदोलन है, इसके बाद में जो प्रदेश का नेतृत्व कहेगा उसके आधार पर एक आंदोलन होगा। और मथुरा का किसान 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और किसानों के ही प्रधानमंत्री हैं, इसको लेकर जरूर मिलेगा और किसान प्रधानमंत्री जी को मिलकर अपना ज्ञापन देंगे, अपनी समस्या समाधान कराएंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।